ऑनलाइन पासपोर्ट्स जो लोग अच्छी नीयत के साथ अप्लाई करते हैं उनके साथ होता क्या है? ये हसन सरदार हैं, इन्होंने जायज फीस के साथ, मैं बता रहा हूँ जायज फीस के साथ, इन बच्चों के 10-10 साल के पासपोर्ट अप्लाई किए फलज फलज अल कबायल में सोहार के पास। इन्होंने सारा कुछ बताया। ये होती है ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी कि जी मैंने गुड फैमिलियों को अप्लाई किया, 2 महीने से ज्यादा हो गए, 1.5 महीने से इनका वीजा एक्सपायर हो जाएगा और इनकी इनके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। अपना अपना नाम बताएं और आप क्या करते हैं, आपका क्या नाम है और क्या करते हो? कंपनी में काम करते हैं। क्या काम करते हो? टिश्यू कंपनी और पैकिंग का काम। वेरी गुड, बहुत तुम्हारे हाथों में अजमत है। सुहार में होते हो? सुहार में टिश्यू की कंपनी में पैकिंग करते हैं। और नाम क्या बताया? नसीरुल हक। नसीरुल हक, हमारा प्यारा पाकिस्तानी है। आप बेटे? टेलर का काम करते। लेडीज या जेंट्स का? मेरा जेंट्स का काम। लेकिन जेंट्स का पूरा सीखा हुआ है जी। पाकिस्तान में कहाँ सीखा हुआ है? जेलम। जेलम का लड़का है। आप कहाँ के हो? मैं भी उधर के जेलम, जेलम का है। नाल हो, बहुत खुशी हुई आपसे बेटे मिलके। आप क्या करते हैं? आप इकट्ठे हैं दोनों? ये भी टेलरिंग का काम करते हैं। ये वो पाकिस्तानी है जिनके हाथों से आपके एक्सटर्नल रिजर्व्स बैलेंस होते हैं। लेकिन इसका हमसे याद रखना मेरी ये आइडियोलॉजी कि ये अगर आपके रिजर्व्स में पैसे भेजते हैं तो इसलिए हम इनकी इज्जत नहीं करते। इनकी इज्जत सिर्फ इसलिए है कि इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी झंडे को फॉलो करते हैं। पीछे कायदे आजम की तस्वीर है और इनके पीछे पाकिस्तान का झंडा है, इसलिए हमारे लिए काबिल एहतराम लोग हैं। इन्होंने बताया कि इनका ख्याल था ऑनलाइन जल्दी आ जाएंगे, आज उन्होंने बताया कि जी देर से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। ये इन तीनों के अब मसला पड़ गया वीजा का। मैं इनके पासपोर्ट एक्सटेंड करूंगा, लेकिन आपको पता है कि एक्सटेंड करना वीजे के लिए पाकिस्तान के कानून के हिसाब से गैर कानूनी है। कई दफा कमेंट्स में नीचे आता है आप क्यों नहीं ठीक कर सकते। मैं फिर अगर हुकूमत है पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे को, पासपोर्ट वाले इदारे को अगर ठीक करने की कोशिश करूं, इनकी जिंदगियां तो तबाह हो जाएंगी उस वक्त तक। ठीक करना उनका काम है, पब्लिकली चला जाता हूं कि इसको ठीक करो। इन दिनों के पासपोर्ट्स मैं एक्सटेंड करूंगा, लेकिन आपके सामने इंसानों के साथ आज खड़ा हूं कि ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई मत करो। मैं यहां लोगों को पकड़ पकड़ के रोक नहीं सकता, लेकिन आपके भले के लिए, आपसे मोहब्बत करते हुए आप वो कह रहा हूं कि ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई मत करो। आपका शुक्रिया।